भगवान श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर 3.5 दिन के लिए भगवान आते हैं। दिवाली की पड़वा के दिन से भगवान का आगमन होता है और 3.5 दिन तक यहाँ पर लक्खी मेला लगता है। भगवान स्वयं 3.5 दिन के लिए आते हैं, द्वारकाधीश के पट बंद हो जाते हैं उस समय और यहाँ पे ही उनकी पूजा होती है। ये पहले मयूर वन था, यहाँ शहर तो था नहीं, मोरेना गांव था ये, तो मयूर वन था। यहाँ पे मोर बहुत आयात में पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख लगा हुआ है वो मयूर वन से यहीं से गया है। उनके मुकुट के लिए जो पंख गया था, मोर पंख, वो यहीं से गया था ऐसा बताते हैं। और मोरों की बहुत आयात होने की वजह से इसका मयूर वन से धीरे धीरे नाम भृगंश होते हुए मुरैना हो गया। ये तो मुरैना गांव, ये मुरैना गांव की ही उसमें मुरैना शहर बसा हुआ है। और जी बताते हैं कि वहाँ पे पट बंद रहते हैं, यहाँ पे भगवान आते हैं जब 3.5 दिन के लिए भगवान का आगमन होता है तो द्वारकापुरी में पट बंद रहते हैं और मुरैना में उनकी आगमनी होती है। उसकी आगमनी के भी निशानियाँ हैं, गाय के बछड़ा होता है जी जी। स्वामी परिवार में एक बच्चे का आगमन होता है जी जी। जो 8 दिन में बच्चे का जन्म होता है, ये भगवान के आगमन की शुरुआत है कि भगवान आ रहे हैं, संकेत हैं ये लोग, ठीक है ना। और इसके अलावा मतलब आप जन्माष्टमी क्या क्या तैयारी हैं? जन्माष्टमी पे उत्सव होता है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ काफ़ी भव्य रूप से मनाया जाता है, लाइटिंग वगैरह और श्रृंगार वगैरह भगवान का होगा, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं जन्माष्टमी के दिन भी यहाँ पे जी जी। बहुत भव्य उत्सव रहता है जी। बताया जाता है ये भी सर्प भी निकलता है कहीं। हाँ, पड़वा के दिन जब नागनीला होती है जी जी। तो ये तालाब है बगल में जी जी। इसमें सर्प के दर्शन होते हैं, जब भगवान आके वहाँ बंसी बजाते हैं भगवान स्वरूप में जी जी। दो छोटे छोटे बच्चे स्वामी परिवार के मंदिर प्रांगण से ही बन के जाते हैं, वो जब बांसुरी बजाते हैं वहाँ सर्प के दर्शन होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं। कई बार नेशनल चैनलों पे भी उसको दिखाया गया है जी, जी जी। कितना पुराना मंदिर ये बताया जाता है? ये कम से कम 700-750 साल पुराना मंदिर है। 7-8 सदी पुराना। हाँ जी, जी, जी। किसने बनवाया था ये, कैसे यहाँ पे? भगवान के एक सखा हुआ करते थे जी जी, गोपराम स्वामी जी। तो जब भगवान के साथ उनने गाय चराने के लिए जाते थे तो वो छाक लेके जाते थे, सभी लोग बैठ के इकट्ठी अपनी छाकें लेते थे जी जी। तो उस समय क्या था, ये अपनी छाक को छुपके अकेले खा जाते थे। तब भगवान ने इनको शराब दिया तो इनने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये गलती हो गई मुझसे, अब इसका कैसे। तब भगवान ने इनसे कहा था कि आप कलयुग में जाके मुरैना गांव में जन्म लोगे, वहाँ आप, ये उनका ही बसाया हुआ है ये क्षेत्र, गोपराम स्वामी जी का जी जी। और उनके ही नाम से ये मंदिर का नाम दाऊ जी का मंदिर पड़ा है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है ये जी जी। वो अपने 4 भाई थे, उनमें सबसे बड़े थे, तो सब लोग अपने क्षेत्र में क्या बड़े भाई को दाऊ बोलते हैं, तो इसलिए उन्हीं के नाम से ये दाऊ जी का मंदिर पड़ा है। भगवान का यहाँ उनसे साक्षात्कार हुआ, भगवान स्वयं रथ लेके आए थे और भगवान उनको बैकुंठ धाम के लिए लेके यहाँ से गए। तब ने कहा कि किसी को क्या पता लगेगा, प्रभु आप मेरे को लेने आए थे। जब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि इस प्रकार 3.5 दिन के लिए मैं पड़वा से यहाँ आऊँगा, आपके नाम से ही यहाँ स्वयं भूम प्रकट मूर्ति है ये जी जी। अपने आप, अपने आप जी। तो ये भगवान के चिन्ह बताए उनने, इस प्रकार से मेरी आगमन नहीं होगी।